ही गाइस, यहाँ पे अगर आपके पास सैमसंग का स्मार्टफोन है, सैमसंग कंपनी का कोई भी स्मार्टफोन, और साथ में अगर आप कोई अदर डिवाइस भी यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे गाइस मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे कि जब भी वो ऑफलाइन म्यूज़िक सुनते हैं तो गाइस क्या होता है उनके साथ, जो भी कॉल रिकॉर्डिंग है वो म्यूज़िक में भी आ जाती है। जब भी वो ऑफलाइन म्यूज़िक सुनते हैं तो डायरेक्ट अगर नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करते हैं तो बीच बीच में कॉल रिकॉर्डिंग भी आ जाती है। तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कॉल रिकॉर्डिंग और म्यूज़िक को कैसे अलग करें, क्योंकि गाइस आज के डेट में भी बहुत सारे लोग क्या है, इंटरनेट कनेक्टिविटी ट्रैवल में भी बहुत ज़्यादा इशू करती है, तो इस वजह से ऑफलाइन म्यूज़िक सुनना बहुत लोग पसंद करते हैं, डाउनलोडेड रखते हैं अपने फ़ोन में कुछ सॉन्ग्स। और जहाँ पे गई सैमसंग कंपनी का स्मार्टफोन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सैमसंग ही एक ऐसा ब्रांड बचा हुआ है कि जो अभी कॉल रिकॉर्डिंग करता है और सामने वाले को पता नहीं चलता है। बाकी अदर जो है गूगल डायलर देने लगे हैं, अगर रेडमी की बात करें या फिर कोई स्टॉक एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें तो गूगल डायलर ही होता है। तो गूगल डायलर का ऐसा है गाइस कि वो जब भी आप उसमें कॉल रिकॉर्डिंग करोगे तो सामने वाले को नोटिफिकेशन चले जाता है कि योर कॉल हैज़ बीन रिकॉर्डेड, तो सामने वाले को पता चल जाता है कि अब अपना कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन सैमसंग के फ़ोन में ऐसा नहीं होता। तो मोस्टली जो भी सैमसंग का फ़ोन यूज़ करते हैं, सैमसंग स्मार्टफोन यूज़र्स कॉल रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये चीज़ मैं समझता हूँ गाइस। और प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जब भी वो म्यूज़िक सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा इशू आती है, बीच बीच में कॉल रिकॉर्डिंग्स आ जाती है, और ये अपने पास आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम किसी और को सॉन्ग सुना रहे हैं और उस टाइम, या फिर हम स्पीकर में सॉन्ग सुन रहे हैं उस टाइम कॉल रिकॉर्डिंग आ जाता है, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि ये हमारी प्राइवेसी की बात है, हम क्या क्या कॉल रिकॉर्ड करके रखे हैं दूसरे को हम नहीं सुनाना चाहते। तो गाइस इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे कॉल रिकॉर्डिंग और म्यूज़िक को आप अलग कर सकते हो, कैसे कॉल रिकॉर्डिंग का फोल्डर अलग कर सकते हो और म्यूज़िक का फोल्डर आप अलग कर सकते हो, और कौन सा एप्लीकेशन जो है ऑफलाइन के लिए आपको यूज़ करना चाहिए जो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है, सारा कुछ इस वीडियो में बताऊँगा गाइस। और आपको बिल्कुल भी इसके बाद प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि मेरे पास मैसेज आ रहे थे इसके बारे में, तो अब सॉल्यूशन लेके मैं आ गया हूँ। तो गाइस इसके लिए अपने स्मार्टफोन के जो है स्क्रीन पे चलते हैं, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपको करना क्या होगा। तो ही गाइस हम लोग यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन पे आ गए हैं, और आप लोग ऑफलाइन म्यूजिक के लिए कौन सा एप्लीकेशन यूज करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन गाइस अगर आपको एक रिकमेंड करना चाहता हूँ मैं, कि अगर आप ऑफलाइन म्यूजिक सुनना पसंद करते हो, तो जैसे गाइस मैं अभी अपना डाटा को ऑफ कर देता हूँ, देन गाइस आपको ऑफलाइन म्यूजिक सुनने के लिए जो है डाउनलोडेड कोई म्यूजिक आप सुनना चाहते हो, आपको उसके लिए यूट्यूब म्यूजिक एप्लीकेशन का यूज करना चाहिए, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। यहाँ पे जियो सावन की बात करें या फिर स्पोटिफाई की बात करें, तो ऑफलाइन में ये बहुत अच्छा नहीं है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है बार बार माई फाइल्स में जाने के लिए। लेकिन यूट्यूब म्यूजिक ऐसा है गाइस कि आप जब भी आपका डाटा ऑफ रहेगा, नेट कनेक्टिविटी नहीं रहेगी, वो डायरेक्ट आपको आपके फाइल्स में पहुंचा देगा, तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है ये। और मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको करना है, रिकॉर्डिंग को आपको अलग कैसे करना है, फिर आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइस जैसे ही हम लोग YouTube म्यूजिक एप्लीकेशन ओपन करते हैं, हमारा फोन अगर ऑफलाइन है तो यहाँ पे आपको डिवाइस फाइल्स ओनली का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। देन गाइस आपको क्या है, डिवाइस फाइल्स ओनली में जाना है, और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं बहुत सारे जो सॉन्ग्स हैं, यहाँ पे अगर आप सॉन्ग्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सॉन्ग्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि गाइस यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कॉल रिकॉर्डिंग्स आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, पूरी कॉल रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे गाइस मेरी पूरी जो भी मैंने कस्टमर केयर से आज तक बात करी, मैं कॉल रिकॉर्ड करके आपको सुनाता हूँ, सारी कॉल रिकॉर्डिंग बीच बीच में आपको परेशान करने वाली है अगर आप यहाँ से सॉन्ग प्ले करते हो। तो गाइस अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग सेटिंग में जाओगे और वहां से कॉल रिकॉर्डिंग का फाइल अलग करना चाहते हो, तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी और कॉम्प्लिकेटेड चीज है वो। तो सिंपली गाइस आपको इसी एप्लीकेशन में कुछ भी नहीं करना है, आपको प्लेलिस्ट में जाना है गाइस, और न्यू प्लेलिस्ट बना लेना है, माई म्यूजिक या फिर कुछ भी आपको जो भी पसंद है उस प्लेलिस्ट को आपको बना लेना है, जैसे कि मैंने माई म्यूजिक प्लेलिस्ट बना रखा है। ओके, माई म्यूजिक प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, और यहाँ पे मैंने दो सॉन्ग ऐड करके रखे हुए हैं। तो गाइस आपको क्या करना है, सारे जो आपके सॉन्ग्स हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो भी सॉन्ग है, ऑडियो है, रिकॉर्डेड है, सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि गाइस मैंने दो यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ है, और मुझे कुछ और ऐड करके रखना है, तो यहाँ पे सिंपली मुझे लॉन्ग प्रेस करना है और ऐड टू प्लेलिस्ट में जाना है, ऐड टू प्लेलिस्ट में जाना है, और कौन कौन सा प्लेलिस्ट आपने बनाया है, किसमें आपको डालना है, वो यहाँ पे ऑप्शन आएगा। मैंने एक ही प्लेलिस्ट बना रखा है तो एक ही ऑप्शन आ रहा है माई म्यूजिक का। तो गाइस अब हम लोग यहाँ पे माई म्यूजिक में टैप कर देंगे।
तो उससे क्या होगा गाइस कि माई म्यूजिक में जो है मेरा जो है सॉन्ग चले जाएगा। ओके उसके बाद गाइस एक आध और सॉन्ग को अपन ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि गाइस ये वाली सॉन्ग है इसको अपन ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ये ऐड हो गया। वैसे ही गाइस अब यहाँ पे इस सॉन्ग को ऐड कर लेते हैं, ये भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो गाइस अब आपको क्या करना है, ऑफलाइन के टाइम में आपको डायरेक्ट सॉन्ग्स पे नहीं जाना है, आपको डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाना है और उसके बाद गाइस आपको प्ले करना है डायरेक्ट प्लेलिस्ट। अगर गाइस यहां से आप प्ले करेंगे तो सारा लाइन से बजने वाला है, अगर आप सफल कर देंगे तो यहाँ प्लेलिस्ट में जो भी सॉन्ग अपने अकॉर्डिंग वो आपको सुनाएगा, रैंडमली सुनाएगा गाइस, यहाँ पे सीरीज वाइज नहीं सुनाएगा, लाइन से रैंडमली सुनाएगा। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आपको कॉल रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी यहाँ पे आपको परेशान नहीं करेगी, बीच में एक बार भी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं आने वाला। तो जस्ट लाइक गाइस मैं अगर इस सॉन्ग को प्ले करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे गाइस आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सारा कुछ यहाँ पे हम लोग प्ले कर सकते हैं, बिल्कुल भी यहाँ पे आपको एक भी देखने को नहीं मिलने वाला, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा गाइस आपको ये हेल्प करने वाला है, जहाँ पे मुझे भी ये प्रॉब्लम हो रही थी, फिर मैंने कुछ दिन देखा कैसे कर सकते हैं, मैंने सोचा, दिमाग लगाया और बहुत सारे एप्लीकेशन डाउनलोड करके मैंने चेकआउट किया, और सारा चेकआउट करने के बाद मुझे इस मामले में ऑफलाइन म्यूज़िक सुनने के मामले में मुझे यूट्यूब प्ले म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद आया। आपको सिंपली गाइस प्ले स्टोर में ये एप्लीकेशन मिल जाएगा, यूट्यूब का ही एप्लीकेशन है आपको पता है, प्ले स्टोर में जाके अगर आप YT म्यूजिक सर्च करते हो तो आपको तुरंत देखने को मिल जाएगा। अगर आपने इसको डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्ट प्ले स्टोर में जाके, मैं डाटा ऑन कर देता हूँ। देन गाइस आप यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे सर्च करना है और आपको यहाँ पे जो है YT प्ले म्यूजिक देखने को मिल जाएगा और आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। ये मुझे ऑफलाइन म्यूजिक सुनने के लिए बेस्ट लगा, यहाँ पे आप अपना प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हो, सारा काम कर सकते हो। होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और आपके ऑफलाइन म्यूजिक सुनते टाइम जो बीच बीच में कॉल रिकॉर्डिंग आपके आके या फिर कुछ अनवांटेड चीज आके आपको परेशान कर रहा है, जो चीज आप नहीं सुनना चाहते वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो जो आप सुनना चाहते हो, और साथ में गाइस आप इसको ऊपर से नीचे जैसा आप करना चाहो यहाँ से आप जो है सेलेक्ट कर सकते हो। तो बहुत अच्छा एप्लीकेशन मुझे ये लगा, और कोई भी थर्ड पार्टी वगैरह डाउनलोड करने से अच्छा गाइस आप ये डाउनलोड कर लीजिए, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। सो होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।